कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का तात्पर्य है काया का उत्सर्ग, शरीर और आत्मा की भिन्नता अनुभव करना। तार में करंट है, परंतु करंट तार नहीं है। शरीर में प्राण है, आत्मा है, किंतु शरीर आत्मा नहीं है। शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव ही कायोत्सर्ग के प्रयोग का परिणाम है। हमारा अस्तित्व दो तत्वों से बना है, जीव यानी कि चेतना और पुद्गल यानी कि हमारा शरीर, इंद्रियां और मन। जीव में चेतना और ज्ञान है, पदार्थ निर्जीव और ज्ञान रहित है। शरीर को संचालित करने वाले तत्व हैं चित्त और भाव, जो कि आत्मा से संबंध रखते हैं। जब हमें शरीर और आत्मा के भेद का अनुभव हो जाता है, तब हम चित्त और भाव के द्वारा शरीर, इंद्रियां और मन पर अपना संयम स्थापित कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आज हर व्यक्ति हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और न जाने कितनी बीमारियों से जूझ रहा है, जिसका मूल हमारे भावनात्मक तनाव यानी कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर और अव्यवस्थित दिनचर्या में है।